हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में इसकी एक और टेस्टिंग करने वाले हैं। ये है एनर्जी सेवर, जो कि आपको बहुत जगह पर मिल जाता है। कुछ लोग इसको 1500 का खरीदते हैं, कुछ लोग 250 का भी खरीद लेते हैं, लेकिन बहरहाल इसको बेचने वाले कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजली की सेविंग करता है, अप टू 40%। तो चलिए, इसका एक वीडियो तो हमने बनाया हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं गीजर्स के ऊपर, वाटर हीटर्स के ऊपर। और अलग अलग तरह के 3 वाटर हीटर मैंने लिए हैं इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसी की टेस्टिंग कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो पहले जरा इधर आइए। यहां पर आप देखिए, ये हमारा एनर्जी मीटर है, जहां पर लोड बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं लगा हुआ इसमें। तो सबसे पहले तो हम इसको यहां पर प्लग इन करते हैं, ताकि पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिजली बचाने वाला जो यंत्र है, उपकरण है, वो खुद कितनी बिजली खाता है। तो चलिए इसका ये बटन ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया, तो आप देख सकते हैं इसके तीनों इंडिकेटर चल रहे हैं, और जो लोड ले रहा है ये 2.5 वाट का लोड ले रहा है, 2.5 से 3 तक जा रहा है ये। आप देख सकते हैं 2.4 से 2.6, 2.7 एंड 2.8 तक भी ये जा रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं, एवरेजली अगर मैं बात करूँ तो 2.5 वाट का लोड तो ये अपने आप ले रहा है। अब ये बिजली कितनी बचाएगा और कैसे बचाएगा, वो तो अब हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। 3 तरह के वाटर हीटर हैं, अलग अलग वॉटेज के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हैवल्स की इमर्शन रॉड हमने ली है, इसका तो वीडियो आपने देखा है, बहुत अच्छी इमर्शन रॉड है ये। ये है 1500 वाट की इमर्शन रॉड। उसके बाद हमारे पास ये एओ स्मिथ का इंस्टेंट वाटर हीटर है, जो कि 3000 वाट का है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में हमारे पास एक बड़ा गीजर भी है, क्रॉम्पटन का, जो 2000 वाट का है। तो यहाँ पर 3 तरह के वाटर हीटर हम टेस्ट करने वाले हैं इस पावर सेवर डिवाइस के थ्रू, कि इन तीनों को चला चला कर बारी बारी से देखेंगे और देखेंगे कि किस वाटर हीटर की कितनी बिजली ये बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है। जो भी इसकी रियलिटी होगी, आपको लाइव पता लग जाएगी और मुझे भी पता लग जाएगी, मैंने पहले टेस्ट किया ही नहीं है इसको। तो चलिए गीजर्स के ऊपर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इमर्शन रॉड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, और जो इमर्शन रॉड का सॉकेट है ये वाला है, ये देखिए ये इमर्शन रॉड का सॉकेट है। तो इसको हम यहाँ पर प्लग इन करते हैं, और इसको यहाँ पे साथ में ही लगाऊंगा मैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मल्टीप्लग, क्योंकि ये यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो पहले इसको मल्टीप्लग में सेट करके, तो ये सारा सेटअप जो है ये मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो पहले हम रॉड चलाएंगे, देखेंगे कितने वाट वो ले रही है, उसके बाद फिर इसको ऑन करेंगे, फिर देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। लेकिन उसको चलाने से पहले, अभी नहीं चलानी है, अभी पानी भरना है बाल्टी में और इसको अंदर रख के चलाना है। तो चलिए मैं ये काम करता हूँ, फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं बाल्टी में पानी हमने भर लिया है, इमर्शन रॉड को सेट कर दिया है बकेट के अंदर, और इसका जो सॉकेट है वो हम पहले ही लगा चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हो लोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इमर्शन रॉड यहाँ पर ऑन हो चुकी है। इसमें इंडिकेटर चलता है, और ये ऑटो कट ऑफ वाली इमर्शन रॉड है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब ये 1500 वाट की जो इमर्शन रॉड है वो चल चुकी है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो 1450 वाट के आसपास लोड ले रही है। इनपुट सप्लाई 225 के आसपास है, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप होता है जब लोड पड़ता है, और अम्पेयर वगैरह सब आप देख रहे हो जो भी है। बहरहाल ये वीडियो इसकी रिगार्डिंग नहीं है, हमारा जो काम है वो है पावर सेवर को चेक करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1448, 1450 इस तरह से लोड चल रहा है, यानी कि आप इसको मान के चलो कि 1440 से 50 के बीच में लोड चल रहा है। तो कांस्टेंट अभी तो आपको 1450 दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या मैजिक होता है, उस तरह का जो मैजिक लोग कहते हैं कि ये करता है। तो चलिए आप अम्पेयर पे भी गौर कीजिएगा और वॉटेज पे भी। तो अम्पेयर है 6.4 और लोड है 1450 के आसपास। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जब इसको ऑन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं, यानी कि ये डिवाइस ऑन हो चुका है। और लोड की यहाँ पर बात करें तो 1450 था, 1450 ही है, और अम्पेयर 6.41 थे, 6.41, 4243 उतने ही हैं, यानी कि एक ढेले का भी यहाँ पर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है गीजर के साथ इसे यूज़ करने का। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी मैं इसको बटन बंद कर रहा हूँ। तो जैसे ही बंद कर रहा हूँ तो भी रीडिंग उतनी ही है, अम्पेयर भी उतने ही हैं,
जैसे ही ऑन कर रहा हूं तो भी सब कुछ उतना ही है, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा है। तो चलिए यहां पर हैवल्स की टेस्टिंग में ये जो 1500 वॉट का इमर्शन रॉड है यहां पर तो ये फेल हो चुका है, तो चलिए इसको अब यहां से बंद कर देते हैं और अब हम इस क्रॉम्पटन के गीजर को टेस्ट करेंगे जो कि 2000 वॉट का है। तो क्रॉम्पटन का ये है 3-pin टॉप जो हम इसमें लगाएंगे इसको उतार के। तो चलिए मैं इसको सेटअप करता हूँ। तो सॉकेट यहाँ पर मैंने लगा लिया है क्रॉम्पटन के गीजर का। अब क्रॉम्पटन के गीजर को हम टेस्ट करेंगे जो कि 2000 वॉट का गीजर है। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये बटन दबाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने जब दबाया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो गीजर है ये पानी गर्म करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये स्मार्ट गीजर है, इसमें ठंडे पानी का भी टेम्परेचर बताता है और सेट किए हुए टेम्परेचर को भी बताता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए ये जो गीजर 2000 वॉट का है ये 1890 के आसपास लोड ले रहा है। इसको आप यूँ मान लो कि 1890 से 1900 के बीच में ये लोड ले रहा है गीजर, ठीक है। और ये बिल्कुल रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हो पानी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अप जा रहा है, 28 है जो पहले 25 था। फिलहाल उसकी टेस्टिंग वीडियो नहीं है, ये टेस्टिंग वीडियो है इस डिवाइस की। तो अब आप गौर से देखिएगा 1890 और 1900 के बीच में लोड चल रहा है यहाँ पर और जो अम्पेयर है वो 8.44 के आसपास चल रहे हैं या 8.4 के आसपास चल रहे हैं। तो अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ 1890 और 8.4। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उतने का उतना ही लोड ले रहा है ये गीजर, उतने ही अम्पेयर ले रहा है। तो आप देख सकते हैं पावर सेवर जो बेचा जाता है कि 40% तक आपकी बिजली में बचत कर देगा, तो जो गीजर 2000 वॉट का है एक धेले का भी यहाँ पर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ 10 वॉट का भी ड्रॉप हो जाता तो मैं कह देता कि ये काम कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। आप देख सकते हैं 1890 और 1900 के बीच में ही लोड था वो अभी भी उतना ही है और 8.4 एम्पेयर थे वो भी उतने ही है। तो चलिए इसको मैं एक बार बंद करके दिखा देता हूँ। ये लो ये बंद हो गया तब भी लोड उतना ही है, यानी कि बंद करो चालू करो लोड उतने का उतना ही है। ये देखो ये बंद कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो 94-93 है, चलने के बाद भी 91-92 उतना ही है, कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। तो चलिए फिलहाल तो इसको बंद ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दो टेस्टिंग अप कर चुके हैं, एक 1500 वॉट इमर्शन रॉड की और 2000 वॉट स्टोरेज गीजर की। अब बारी है मेन जो हैवी लोड है 3000 वॉट का, उसको भी आज टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पावर सेवर में कितना दम है। तो सॉकेट हमने यहाँ पर लगा लिया है इंस्टेंट गीजर का, आप देख सकते हैं ये जो तार है यहाँ पर आ रही है और इसको हम रनिंग कंडीशन में ही चेक करेंगे क्योंकि ये इंस्टेंट वाटर हीटर है, जल्दी से कट ऑफ हो जाता है। तो पहले इसकी टैप ओपन कर लेते हैं ताकि ये ऑन कंडीशन में रहे। तो यहाँ पर आप देखिए अब मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। तो ये इंस्टेंट गीजर जो कि 3000 वॉट के एलिमेंट के साथ आता है आप देख सकते हैं रनिंग में है, यानी कि चल रहा है ये और यहाँ पर 2700 के आसपास इसका लोड चल रहा है। आप देख सकते हैं 2600, 95, 96 आप इसको 2700 मान सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए 2700 की रीडिंग आ गई है और अम्पेयर की बात करूं तो 12.17 अम्पेयर यहाँ पर चल रहे हैं। अब आती है बारी इस पावर सेवर को टेस्ट करने की, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि वॉटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2700 के 2700 ही हैं और अम्पेयर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितने थे पहले ही उतने ही हैं, 12.1718 उतने ही हैं, यानी कि ये जो पावर सेवर है ये गीज़र के ऊपर काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं गीज़र अभी भी चल रहा है और गर्म पानी हमें मिल रहा है। इसकी टेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको, इसको हमने पूरी तरह से टेस्ट किया है। और यहाँ पर आप देखिए कि अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ, 2690 के आसपास लोड है, तो बंद करने के बाद भी उतना ही है, तो कोई फ़र्क यहाँ पड़ ही नहीं रहा है, यानी कि ये है या नहीं है इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये एक तरह से इसको बंद कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल। तो ये जो डिवाइस है ये एक तरह से मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रही है गीजर्स के ऊपर। तो मैंने इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली है तीन तरह के अलग अलग गीजर्स के ऊपर, एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें कैटल के ऊपर ट्राई किया था, यहाँ पर अलग अलग लिए मैंने। मैंने सोचा कि हो सकता है हैवल्स की ये इमर्शन रॉड पे काम कर जाए, इस पर कर जाए, उस पर कर जाए, तो ये किसी पे कोई काम नहीं किया इसने और आपने ये चीज़ देख ली है। हालांकि इसको बेचने वाले काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं
मैं उन पे सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा पावर सेवर जानता है जो एक्चुअली काम करता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हम उसको भी खरीद लेंगे और उसकी भी टेस्टिंग कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आपको मिलता है, ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोज़ आपको उसकी मिलेंगी, लोग 1500 वगैरह की खरीद के लाते हैं इसको, तो ये काम नहीं कर रहा गीजर्स के ऊपर। आपको अगर इसकी किसी पर्टिकुलर अप्लायंस के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर टेस्टिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो की बात करें तो गीजर्स के ऊपर तो एक पैसे का भी फायदा इससे नहीं हुआ, तो आप मान सकते हो कि अगर आपने गीजर की बिजली बचाने के लिए इसे लिया तो आपके 1500 रुपये खराब हो गए। तो चलिए बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आएं आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।